जी वॉइस चेक कर ले, वॉइस क्लियर। इससे वॉइस क्लियर। ओके, आज का जो सेक्शन है टेम्परेचर के चैप्टर का, इसको हम कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। कल हमने जो टॉपिक कवर किया था, दैट टॉपिक वाज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वी वर एक्चुअली स्टेइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और पोलर एरियाज की तरफ मूव करते हुए टेम्परेचर्स को ऑब्जर्व कर रहे थे। इक्वेटर से ट्रॉपिक्स की तरफ, ट्रॉपिक्स से ऑनवर्ड आपने ऑब्जर्व किया कि सब ट्रॉपिकल रीजन या टेम्परेट जोन में टेम्परेचर्स के बारे से बात की। उसके बाद हमने पोलर जोन्स की बात की। सो दिस वाज द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। कि आप अगर सपोज कर लें कि इक्वेटोरियल रीजन जैसे कि कीनिया वगैरह, वहाँ से अगर ट्रैवलिंग स्टार्ट करते हैं मूविंग टूवर्ड्स इजिप्ट और फिर यूरोप और यूरोप का नॉर्थ, तो उसी हवाले से इसको हम हॉरिजॉन्टल का नाम देते हैं, बिकॉज वी आर मूविंग अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है जी, इसके फैक्टर्स आपने ये लिस्ट देख ली, लैटिट्यूड है, अल्टीट्यूड है, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशन करंट्स, कोल्ड और वार्म करंट्स का जो इफेक्ट था, प्रिवेलिंग विंड्स के कहाँ पे विंड्स जो है वो अप्रोच कर सकती हैं, अगर किसी इलाके में गर्म हवा आ रही है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, ठंडी हवा का जो इफेक्ट है वो भी आपने कल ऑब्जर्व किया, जैसे हमने साइबेरियन हवाओं की बात की। एस्पेक्ट ऑफ लैंड जो है वो एंगल ऑफ सन रेज को रेफर करता है विद रिस्पेक्ट टू द स्लोप ऑफ दिस एरिया। नेचर ऑफ सरफेस और क्लाउड्स जो है, ये ऑलरेडी हमने डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से जो पहला पोर्शन था विच वॉज एक्चुअली द ग्लोबल हीट बैलेंस, उसमें भी ये फैक्टर्स हमने ऑब्जर्व किए थे कि नेचर सरफेस भी मैटर करती है, और उसके साथ साथ क्लाउड जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन फिल्टरिंग एंड इन इंटरसेप्टिंग द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है जी, इन फैक्टर्स के बाद अब हम बात करने लगे हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की। जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफेयर स्टडी किया था तो उसमें एक चीज़ हमने ऑब्जर्व की कि जैसे जैसे हम फर्स्ट 12 किलोमीटर्स ऑफ एटमोसफेयर में, जिसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं, व्हेन वी गो अप, जब हम राइज करेंगे, एलिवेशन गेन करेंगे, और एलिवेशन का या एल्टीट्यूड का फैक्टर अभी हमने सेकंड फैक्टर के तौर पे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में भी पढ़ा कि व्हेन वी राइज अप, व्हेन वी अप्रोच द अपर रीचेज ऑफ द एटमोसफेयर, तो उसमें टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता है। यहाँ पे अगर हम सपोज कर लें कि जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है विच इज़ 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, यहाँ से आपको ये ग्राफ शो कर रहा है कि टेम्परेचर जो है वो हाइट के साथ साथ डिक्रीज करता जा रहा है। सो व्हेन वी रीच अप टू द हाइट ऑफ यू मे से 12 किलोमीटर्स, तो ये लोअर एटमोसफेयर की आखिरी बाउंड्री कहलाती है जिसको ट्रोपोपॉज कहा जाता है। सो ट्रोपोस्फेयर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर, कि जहाँ पे आपको क्लाउड कवर मिलेगा यानी वाटर वेपर मिलेगा, जहाँ पे आपको डस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे, जहाँ पे आपको ज़्यादा अबंडेंट जो गैसेस हैं वो मिलेंगी। ठीक है जी, सो मोस्ट अबंडेंट गैसेस जो हैं वो आपको यहाँ पे मिलती हैं। एट रीचिंग द हाइट ऑफ 12 किलोमीटर्स द टेम्परेचर एक्सपीरियंस्ड इज -63 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना कम टेम्परेचर इस वजह से एक्सपीरियंस किया जाता है कि जैसे जैसे हम हाइट गेन करते हैं एयर प्रेशर डिक्रीज करता है। सो तीन फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं इसमें हाइट के साथ टेम्परेचर कम होने में। सबसे पहले तो ये कि जो हीटिंग ऑफ एटमोसफेयर है वो थ्रू कंडक्शन अगर हम बात करें और कन्वेक्शन बात करें या इवन री रेडिएशन, तो उसमें जो कंडक्शन है जिसके हवाले से हम कहते हैं कि एयर मॉलिक्यूल्स जो ग्राउंड सरफेस के साथ कांटेक्ट में आने की वजह से हीट अप होते हैं, वो प्रोसेस ग्राउंड सरफेस पे ही मैक्सिमम होगा।
सेकेंडली, अगर हम री रेडिएशन को भी बेस बनाए, तो री रेडिएशन में क्या था कि जमीन ने जो एनर्जी, सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब की, उसको उसने जब री रेडिएट करना है, और वो किस चीज़ को करना है, आईआर को, इंफ्रारेड रेडिएशन, या जिसको हम हीट एनर्जी कहते हैं, वो जमीन से रिलीज हो रही होती है. सो बेसिकली द एटमोसफेयर इज बींग हीटेड फ्रॉम बिलो रादर दैन फ्रॉम द अबाव. सो जो जिस लेयर में हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, ट्रोपोस्फेयर की लेयर, यहाँ पे जो हीटिंग का फिनोमेना है एटमोसफेयर का, वो ग्राउंड से हो रहा है. तीसरा जो फैक्टर है, दैट इज द डिक्रीज इन टेम्परेचर, प्रेशर, सॉरी. सो जैसे जैसे हम राइज करते हैं, प्रेशर में कमी आती है, और उस प्रेशर की कमी का इफेक्ट ये है कि इफ़ यू इंक्रीज द प्रेशर, द टेम्परेचर विल इंक्रीज, एंड इफ वी डिक्रीज द प्रेशर, द टेम्परेचर विल डिक्रीज. इसका इंटरनल फिनोमेना क्या है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, दैट डील्स विद द एडियाबैटिक प्रोसेस. लेकिन यहाँ पे सिंपल बात यह है कि विद असेंट ऑफ एवरी किलोमीटर, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड. सो जो मैंने ये -63 लिखा, ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी कि 12 किलोमीटर की हाइट है, हर किलोमीटर के बाद 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होना है. दैट मीन्स कि 78 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू को ग्राउंड लेवल टेम्परेचर में से माइनस करना पड़ेगा. अब चूंकि हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ग्राउंड लेवल टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, विच इज़ द एवरेज, इसमें से अगर आप 78 को माइनस कर देंगे, तो आंसर वुड बी -63 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, जो कि आपको 12 किलोमीटर के एलिवेशन पे मिलेगा. ठीक है, अब इसमें 12 क्या है, ये किलोमीटर्स में हाइट है, 6 पॉइंट क्या है, ये रेट पर किलोमीटर है. सो रिजल्टेंट टेम्परेचर आपके सामने है कि जो चेंज ऑफ टेम्परेचर है वो 78 डिग्रीज का. ठीक है जी, तो करंट ये जो 15 है, विच इज द ग्राउंड लेवल टेम्परेचर, ठीक है जी, इसमें से आपने 78 यानी कि जो ओवरऑल चेंज था उसको माइनस किया, तो ये टेम्परेचर आ गया एट द हाइट ऑफ 12 किलोमीटर. ठीक है जी, ये है कॉन्सेप्ट कि जैसे जैसे हम हाइट गेन करेंगे, और ये जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है, इसको हमने थ्रू आउट द एटमोसफेयर स्टडी नहीं करना, इस टॉपिक को हमने सिर्फ रिस्ट्रिक्ट करना अप टू दिस ट्रोपोस्फियर, द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमोसफेयर, सिर्फ इस तक हम इसको रिस्ट्रिक्टेड तरीके से स्टडी करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अब बेसिक बात यह है कि एक्चुअल प्रोसेस, इंटरनल प्रोसेस है क्या. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एडियाबैटिक प्रोसेस, तो ये वो प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर चेंज होता है, और लेकिन यूजुअली जब एक बॉडी या कोई भी एक आप कह लें एंटिटी है, उसने अगर हीट अप होना है, वार्म अप होना है, या कूल डाउन होना है, तो वो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के थ्रू हो सकेगा. यानी अगर आपने पानी को गर्म करना है, तो पानी को आपको ही पानी को हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हीट उसमें जाएगी, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा. इसी तरह से अगर आपने पानी को ठंडा करना है, तो उसकी अंदर मौजूद हीट एनर्जी को रिलीज करवाना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब उसकी कूलिंग होगी. सो अगर तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विद द सराउंडिंग है, जैसे कूलिंग और हीटिंग की मैंने अभी पानी के बारे में बात की है, तो ये प्रोसेस तो एडियाबैटिक नहीं कहलाता. एडियाबैटिक प्रोसेस होता है बेसिकली वो प्रोसेस कि जिसमें विदाउट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विद द सराउंडिंग, यानी कि बाहर से हीट ना आए, और कोई भी एंटिटी हीट अप हो जाए, और ना ही वो हीट को रिलीज करके कूल डाउन हो, तो टेम्परेचर का चेंज विदाउट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विद द सराउंडिंग अगर अकर कर रहा है, तो उसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं. सो इसमें हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज वन ड्यूरिंग विच नो एनर्जी एंटर्स और लीव्स द सिस्टम बाय हीट. दिस इज अचीव बाय थर्मली इंसुलेटिंग द वॉल्स ऑफ द सिस्टम. ठीक है, वो एक बात अलग है, लेकिन हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे ही हम
किसी बाइसिकल पंप की बात करें तो उसमें आपको ये क्या नज़र आएगा कि जब आप एयर को कंप्रेस करते हैं तो जो स्पेस और जो वॉल्यूम एयर का यहाँ पे मौजूद था, इफ़ इट इज़ रिड्यूस्ड, और वो रिडक्शन इतनी कि आप कह लें कि सपोज ये अब इतने वॉल्यूम तक कंप्रेस कर दिया गया है, तो नंबर में जो बेसिक बात है वो ये होगी कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स इस ओपन स्पेस के अंदर मौजूद थे और वो अपनी एक सर्टन रेट ऑफ मूवमेंट को मेंटेन किए हुए थे, जिसको उसकी काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं या मूवमेंट की एनर्जी कह सकते हैं, विच वॉज मेंटेन बाय दीज मॉलिक्यूल्स। तो अब चूंकि आपने स्पेस कम कर दी, आपने वॉल्यूम कम कर दिया, आपने कंप्रेस कर दिया उस गैस को, तो कंप्रेशन का इफेक्ट ये होगा कि मॉलिक्यूल्स अब उतनी मूवमेंट नहीं कर सकेंगे जितनी कि वो पहले कर रहे थे कंप्रेशन से पहले। अकॉर्डिंगली जो काइनेटिक एनर्जी थी मॉलिक्यूल्स की, वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगा हीट एनर्जी में। सो इससे क्या होता है कि जो मूवमेंट की एनर्जी थी वो रिड्यूस हुई, लेकिन चूंकि एनर्जी डाई आउट नहीं होती, वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सो दिस काइनेटिक एनर्जी और द मूवमेंट एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज कन्वर्टेड इन टू हीट एनर्जी। सो जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं, जैसे फ्रिज के कंप्रेसर में हो रहा होता है, एसी के कंप्रेसर में हो रहा होता है, उस कंप्रेशन का इफेक्ट ये होता है कि वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। सो वो प्रोसेस जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाएगा। इसी तरह से अगर आप डीकंप्रेस करते हैं, जैसे आप कह लें कि परफ्यूम की बॉटल है, वो प्रेशराइज बॉटल है, आप उसके बीच में से जब स्प्रे कर रहे होते हैं तो उसका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन। सो इसमें अगर हम इस एनिमेशन को ऑब्जर्व करें तो उसमें आपके सामने है कि एक थर्मोमीटर गिवन है, ठीक है जी, और उस थर्मोमीटर में जैसे जैसे हम ये डीकंप्रेस कर रहे हैं, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस एनिमेशन में जैसे जैसे आप डीकंप्रेस कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट ये आ रहा है कि प्रेशर कम होता जाएगा, ठीक है जी, एक्सपेंशन होगी, एक्सपेंशन होने की वजह से मॉलिक्यूल्स को अपनी मूवमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन चूंकि उन्हें मूवमेंट बढ़ाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड नहीं की जा रही, सो अल्टीमेटली दे विल यूज़ देयर हीट एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म इनटू काइनेटिक एनर्जी और द मूवमेंट एनर्जी, जिसकी वजह से टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। सो वाइस वर्सा, अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो आप एक्चुअली मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, आप बेसिकली काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस करवा रहे होंगे, टेम्परेचर विल गो अप। और अगर आप डीकंप्रेस करेंगे, यानी कि आप ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड कर देंगे, एक्सपेंशन ऑफ एयर कॉज करेंगे, सो दैट एक्सपेंशन विल रिक्वायर मोर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और वो मेंटेन होगी बाय यूजिंग द हीट एनर्जी, जिसका इफेक्ट क्या होता है कि टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है। सो कंप्रेशन का इफेक्ट याद रखिएगा, कंप्रेस होने से या प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ता है, और डीकंप्रेस यानी कि प्रेशर को कम करने से टेम्परेचर जो है वो कम होता है। इस प्रोसेस को हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। जब इस सवाल को आप अटेम्प्ट करेंगे तो आप एडियाबैटिक प्रोसेस को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उसके बाद यही आप चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि उसको प्रोसेस को एटमोसफेयर में अप्लाई करके देख लें, सरफस के ऊपर अगर 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, एक पार्सल ऑफ एयर जो है वो राइज करना शुरू करता है, अगर तो राइजिंग पार्सल ऑफ एयर जो है वो एक्सपैंड करेगा, और एक्सपेंशन के साथ ही उसकी कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो विद एवरी असेंट असेंट ऑफ एवरी 1000 मीटर्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले टेम्परेचर ग्राउंड लेवल पे 32 डिग्री सेंटीग्रेड था और वो 1000 मीटर की हाइट पे आकर 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। फर्दर आप 1 किलोमीटर या 2000 मीटर ऊपर गए, सो इट रीच्ड अप टू 12 डिग्री सेंटीग्रेड, और 3000 के ऊपर आके ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड रह गया, यानी हर 1 किलोमीटर के बाद 10 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज आया। जबकि फिजिकल चेंज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो पार्सल ऑफ एयर 1000 मीटर की हाइट पे पहुंचा है, जिसका टेम्परेचर 22 तक ड्रॉप हो गया था, वो एक्सपेंडेड फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही वो और लो प्रेशर कंडीशन में गया वो और ज़्यादा एक्सपैंड हुआ। इट रिक्वायर्ड मोर एनर्जी फॉर द काइनेटिक मूवमेंट, लेकिन चूंकि उसको सराउंडिंग से नहीं मिल सकी
उसकी कूलिंग स्टार्ट हो गई। दिस एक्चुअली अकर्स इन द एटमोसफेयर। सो अगर इसको रिवर्स कर लिया जाए तो रिवर्सल क्या होगा कि एक एक्सपेंडेड एयर पार्सल जब सिंकिंग में आता है तो वो हाई प्रेशर कंडीशन में एंटर होता है, कंप्रेस होता है। जब एयर सिंक करती है, जब एयर इज डिसेंडिंग डाउन, तो उस सूरत में उस पर प्रेशर पड़ता है, वो कंप्रेस होती है और उसका टेम्परेचर बढ़ता है। सो सिंपल सा रूल याद रखा जाएगा, हाइट गेन करने के साथ साथ एयर एक्सपैंड करती है, उसका टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस होता है, और जैसे जैसे हम डाउनवर्ड आते हैं प्रेशर इंक्रीज करता है, और प्रेशर इंक्रीज करने के साथ साथ टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज करता है। ये बेसिकली प्रोसेसेस थे। प्रोसेसेस के बाद अब हमें रेट्स की बात करनी पड़ेगी। देर आर थ्री डिफरेंट कंडीशंस। जो अभी आपने देखा वो उसमें टेंस के कॉन्टेक्स्ट में था, मतलब एक तो हम एनवायरमेंटल लैप्स रेट की टर्म यूज़ करते हैं, जो सबसे पहले इक्वेशन मैंने आपको लिखवाई थी वो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर्स लिखवाई थी। यानी कि अगर एटमॉस्फेयर की जनरल बात की जाए, एवरेज कंडीशंस की बात की जाए, तो हम जो वैल्यू फॉलो करते हैं एक एवरेज के तौर पे वो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू है। सो यहाँ पे अगर हम उसी ग्राफ की तरह से यहाँ पे इसको प्लेस कर लें कि असेंट ऑफ एवरी 1000 मीटर्स वुड बी रिप्रेजेंटेटेड, तो यहाँ पे 3 किलोमीटर की हाइट हो गई, 2 किलोमीटर की अबव द ग्राउंड हो गई, उसके बाद 1 किलोमीटर। सो अगर हम एक आर्बिट्री से या तो कह लें कि एक सपोज कर लें कि यहाँ पे एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी है, स्टेशन सी है। स्टेशन ए के ऊपर जो है वो ELR अप्लाई हो रहा है, ठीक है, एवरेज कंडीशन। स्टेशन बी के ऊपर जो है वो DLR, जो अभी 10 वाली हमने वैल्यू देखी, DALR, ठीक है, स्टेशन सी पर SALR। सो बेसिकली बात यह है कि इफ ऑल दीज स्टेशन हैव अ ग्राउंड लेवल टेम्परेचर ऑफ सपोज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जैसे जैसे हम असेंट करेंगे, जैसे जैसे हम राइज करेंगे, सो द फर्स्ट स्टेप 1 किलोमीटर एंड द वैल्यू और द टेम्परेचर वुड बी 30, विच इज द ग्राउंड लेवल टेम्परेचर, -6.5, विच इज द रेट। तो आपका आंसर जो होगा दैट विल बी 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड इफ वी आर एक्सपीरियंसिंग एन एवरेज कंडीशन जिसमें हवा खुश्क ना हो बल्कि एक जनरल एटमोसफेयर कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रही हो, ठीक है जी। उसके कंपैरिजन में अगर हम बी की बात करें, इसी हाइट के ऊपर टेम्परेचर बी वे 30 -10 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 20 के, ये कैसे निकलेगा? रेट ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट जो है दैट इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड विद असेंट ऑफ एवरी 1000 मीटर्स। ये नॉन फैक्ट्स हैं, कैलकुलेटेड फैक्ट्स हैं, ठीक है जी। उसकी बुनियाद पर ये रेट्स जो हैं वो सिर्फ आपने मेंशन करने होते हैं कि 1 किलोमीटर के बाद ड्राई एयर कैसे जो है वो अपना टेम्परेचर डिक्रीज करती है, और जो एवरेज एटमोसफेयर कंडीशन है उसमें टेम्परेचर किस तरह से डिक्रीज करता। सो जो हमने डायग्राम अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा जिसमें 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 22 पे जंप हुआ, फिर 12 पे और फिर 2 पे, दैट रेफर्स टू ड्राई एयर्स बिहेवियर व्हेन इट इज राइजिंग, और इसको हम DALR यानी कि जो नाम यूज होगा वो होगा ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, ठीक है, DALR ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, और ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीज को शो करता है विद एवरी 1000 मीटर्स। तो आप अगर हम यहाँ पे कहें कि 23 एंड 23.5 अचीव हो गया था, -6.5 टेम्परेचर हो जाएगा 17, और उसके बाद 3 किलोमीटर्स की हाइट पे ELR को फॉलो करते हुए टेम्परेचर हो जाएगा 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड। 17 -6.5 मैंने किया तो ये 10.5 हो गया।
बी के ऊपर कंडीशन क्या होगी, 1 किलोमीटर पे जैसे मेंशन है 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया, 2 किलोमीटर की हाइट पे मजीद 10 डिग्री कम हुआ, और 3 किलोमीटर्स पे आके ये 0 तक अचीव हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो ड्राई एयर होती है, जहाँ पे हम DALR की बात कर रहे हैं, ये रैपिड चेंज को एक्सपीरियंस करती है टेम्परेचर की डिक्रीज के हवाले से। ये वैल्यू जो मैं यहाँ पे लिखी है, ये ELR को रिप्रेजेंट करती है। स्टेशन ए के ऊपर हमने कहा ELR अप्लाई हो रहा है, यानी एवरेज 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 एटमोस्फेरिक कंडीशन को हम रेफर कर रहे हैं। अब बात आती है स्टेशन सी की, जिसको हम सैचुरेटेड एडियाबैटिक रैप्स रेट कहते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी रिक्वायर्ड है एक्स्ट्रा, कि यहाँ पे ऐसा क्या है कि जो कि इन दोनों से मुख्तलिफ है। सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट इज द टर्म, और वैल्यू है 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड विद असेंट ऑफ एवरी 1000 मीटर्स। 1000 मीटर राइज करेंगे, 4 या 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होगा। टर्म SALR की यूज होगी। स्टेशन सी के हवाले से अब टेम्परेचर्स को अगर नोट कर लें, तो हम कह सकते हैं 30 माइनस 4.4, व्हाट वुड बी द आंसर, इट विल बी 25.6। ठीक है जी, उसके बाद 25.6 माइनस 4.4, विल बी 21.2। ठीक है, ये आंसर आएगा 21.2 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद मजीद आप 4.4 माइनस करेंगे, तो इट विल बी 16.8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे अब बेसिक बात है कि ये क्यों डिफर कर रहा है, या ये इसका कॉज क्या है कि ये ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट की तरह से नहीं है। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है, दैट इज़ द लेटेंट हीट। सो आप में पार्टिसिपेंट्स में से क्लास में अटेंड जो कर रहे हैं, बताएंगे कि लेटेंट हीट क्या होती है। व्हाट इज एक्चुअली मेंट बाय लेटेंट हीट? नहीं, ओके, चले लेटेंट हीट के बारे में। ओके जी, पोजेस बाय द पार्टिकल्स, लेकिन हम यहाँ पे जरा उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें। यहाँ पे तीन मैटर की स्टेट्स दी हुई है। ठीक है जी, सॉलिड आइस है। अब सॉलिड आइस जो है, उसको अगर हम देखें तो सिंपल सी बात है कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ वाइब्रेट कर रहे होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, इन कांटेक्ट विद ईच अदर होते हैं। ठीक है जी, तो आइस जो कि सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट कर रही है, इसके मॉलिक्यूल सिर्फ ऑसिलेट कर रहे होंगे और एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होंगे। जब हम इस को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, आइस को जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे, तो उस हीट का इफेक्ट ये होगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी मूवमेंट इंक्रीज करना शुरू कर देंगे, एंड दे विल स्टार्ट टू मूव फ्रीली। सो उस फ्री मूवमेंट का मतलब क्या होगा कि दे विल चेंज द स्टेट। अब यहाँ पे अगर आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जब ये पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, तब भी ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, लेकिन स्टेट चेंज हो जाएगी। जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, जैसे कि वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो उस हवाले से अब बात यही होगी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो फ्री मूवमेंट में इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब जो हीट आपने दी, उसने मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को इंक्रीज करवाया, लेकिन एज सच वो सेंसिबल हीट, यानी वो हीट जो थर्मोमीटर पे शो हो रही है, उसमें कन्वर्ट नहीं हुई। रादर वो एक लेटेंट हीट के तौर पे, हिडन हीट के तौर पे इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो गई, इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं। अगर हम इस लिक्विड में से हीट को निकाल दें,
यानी इस लिक्विड को अगर हम कूल डाउन करें तो उस कूलिंग का इफेक्ट क्या होगा कि ये लिक्विड वापस अपनी कनेटिक मूवमेंट को कम करता करता सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और इस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग कहते हैं। इसी तरह से अगर हम इस लिक्विड को हीट प्रोवाइड करेंगे, इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो वो एनर्जी इसको इनिशियली टेम्परेचर चेंज नहीं करेगी बल्कि वो इसकी फॉर्म चेंज करेगी, यानी कि स्टेट ऑफ मैटर चेंज होकर गैस में हो जाएगा कन्वर्ट। जैसे कि हमने देखा सॉलिड में मॉलिक्यूल्स जो थे वो एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड थे, उसके बाद लिक्विड में आके उनकी मूवमेंट बढ़ी और वो फ्री मूवमेंट में इन्वॉल्व हो गए। उसके बाद गैसीय स्टेट में आने के बाद वो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि डिस्टेंस इंक्रीज कर लेंगे और मूवमेंट इंक्रीज कर लेंगे। गैस में जो कन्वर्शन है उसको हम इवेपरेशन कहते हैं, इसका रिवर्स प्रोसेस जो है वो कंडेंसेशन कहलाता है। ठीक है, यानी कि अगर आप गैस को कूल डाउन करवाएंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, इसको कंडेंसेशन कहा जाता है। इवेपरेशन बेसिकली किस प्रोसेस को कहते हैं, व्हेन लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस। तो हम लोग ये तो स्टडी करते हैं कि पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बॉयल करता है, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द वाटर, लेकिन जो स्टीम प्रोड्यूस होती है उसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन कहा यही जाता है कि स्टीम में एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर और द बॉइलिंग वाटर। तो उसकी बेसिक वजह यही है कि स्टीम के अंदर जो है वो आपको ज़्यादा एनर्जी जो मिल रही है वो लेटेंट हीट की सूरत में मिल रही है, वो हीट जिसने स्टेट ऑफ मैटर को चेंज किया हुआ है लेकिन वो थर्मोमीटर पे सेंसिबल हीट के तौर पे ऑब्जर्व नहीं की जा रही, इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। अब होता क्या है कि जब एक पार्सल ऑफ एयर या हवा का एक हिस्सा जो एटमोसफेयर में मौजूद है, व्हेन इट राइजेज अप इट विल कूल डाउन, और वो कूलिंग का प्रोसेस जो है वो एडियाबैटिक कूलिंग का प्रोसेस ही है, यानी कि प्रेशर कम हुआ, प्रेशर के कम होने से हवा का टेम्परेचर कम हो जाएगा। लेकिन जब हवा का टेम्परेचर कम हुआ तो उसका इफेक्ट क्या आना है उसमें हम सिंपल ये कह सकते हैं कि इफ़ द ग्राउंड लेवल टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड तो उसमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वो माइनस होगा जो हमने DALR का स्टडी किया था, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट। ये वैल्यू हमने पढ़ी थी कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ इंक्रीज भी कॉज होगी। अब ये इंक्रीज तकरीबन 5.6 डिग्री सेंटीग्रेड की इंक्रीज है, और ये 5.6 कहाँ से ऐड हो गया? बेसिकली ये एडिशन उस वक्त पॉसिबल होगा कि जैसे ही हवा का टेम्परेचर कम हुआ तो अगर उसके अंदर मॉइस्चर अवेलेबल है, वाटर वेपर अवेलेबल है जो कि गैसियस स्टेट में है, व्हेन इट इज कूल डाउन इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट, यानी कॉन्डेंसेशन का प्रोसेस हो जाएगा। जब कॉन्डेंसेशन का प्रोसेस होगा तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि गैस ने जो एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब की हुई थी लेटेंट हीट के तौर पे, दैट विल बी रिलीज्ड एंड इट विल बी कॉजिंग एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो 5.6 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये कॉज हो रहा है लेटेंट हीट के रिलीज होने से। 10 डिग्री डिक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ द एडियाबैटिक प्रोसेस। नेट चेंज कितना आया? नेट चेंज इज 30 माइनस 4.4। ठीक है जी, क्योंकि 10 माइनस 10 प्लस 5.6 करेंगे तो -4.4 की वैल्यू आएगी। ठीक है जी, एंड दिस चेंज विल रिजल्ट इन फॉर 25.6 डिग्री टेम्परेचर रादर देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। सो 30 से सीधा 10 माइनस नहीं होगा बल्कि उसमें लेटेंट हीट जो है वो थोड़ा सा इफेक्ट को कम कर देगी, कूलिंग के इफेक्ट को। इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट, यानी कि मॉइस्चर वाली हवा का जो लैप्स रेट है। ठीक है जी,
तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा सा इस प्रोसेस से हट के, कि ये तीन आपने रेट्स बताने होते हैं। तीन रेट्स बताने के बाद एक अनोमली डिस्कस होती है जिसको हम टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन बेसिकली वो प्रोसेस है कि जिसमें ट्रोपोस्फेयर में यानी लोअर एटमोस्फेयर में रहते हुए जब आप हाइट गेन करते हैं तो हाइट के साथ टेम्परेचर को कम होना चाहिए, लेकिन वो कम नहीं होता बल्कि वो इंक्रीज कर जाता है, यानी कि वो ऑपोजिट बिहेव करता है। सो हम यहाँ पे ये स्टेटमेंट नरेट कर सकते हैं कि इन ट्रोपोस्फेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट। एक्सक्यूज जी जी मी सर, ये लेटेंट दोबारा समझा सकें? लेटेंट हीट पे मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो शेयर करूंगा जो कि एनिमेशन पे होगी। सो बेसिक बात है, ये सिर्फ हमें बैक एंड पे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको किताब में जो मिलेगा वो तो सिर्फ इतना ही मिलेगा जी कि लेटेंट हीट ने टेम्परेचर डिक्रीज को थोड़ा सा नलीफाई कर दिया, यानी वो हीट जो मॉइस्चर ने अपने अंदर एब्जॉर्ब करके गैसियस स्टेट के तौर पे वो हवा का हिस्सा बन गया हुआ था, उसका जब कन्वर्जन हुई, जैसे क्लाउड फॉर्मेशन होती है तो क्लाउड के ड्रॉपलेट्स बनते हैं, वो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, गैसियस स्टेट से वो वाटर लिक्विड स्टेट में आया, अब वो हीट को रिलीज करके ही लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो सकेगा। ठीक है, अब वो लिक्विड स्टेट में क्यों कन्वर्ट हुआ, उसकी बेसिक कॉज क्या बनी, उसके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने का प्रोसेस इसलिए हुआ कि उसमें हीट रिलीज की। ये हीट कैसे रिलीज हुई, ये हीट कूलिंग की वजह से रिलीज हुई, यानी कि जब एयर राइज हुई तो एयर का टेम्परेचर एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू डिक्रीज हुआ है। ठीक है, ऊपर प्रेशर कम था, हवा का टेम्परेचर कम हो गया, लेकिन हवा के टेम्परेचर कम होने का इफेक्ट उसके अंदर मौजूद मॉइस्चर या वाटर वेपर पे क्या आएगा, कि वाटर वेपर की थोड़ी सी कूलिंग होगी और वो कंडेंस हो जाएगा। कॉन्डेंसेशन का मतलब है। जी जी तो जब हीट रिलीज हो रही है और स्टेट भी चेंज हो रही है, तो टेम्परेचर सेम कैसे हो रहा है? जैसे आपने कहा था 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का भी और गैस का भी। देखिए, वो तो उसमें तो ये था ना कि वी आर पुटिंग इन द हीट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिक्विड को बॉयल करना शुरू किया, लिक्विड जो है वो 100 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर बॉयल होना शुरू हो गया। ठीक है जी, उसके बाद वो गैसेस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, वेपरेट हुआ या स्टीम बन गया। अब जो स्टीम के अंदर आप थर्मोमीटर रखेंगे तो स्टीम के अंदर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर शो हो रहा होगा, लेकिन स्टीम की जो फॉर्म है, जो मतलब स्टेट ऑफ मैटर है, दैट इज गैसियस। ठीक है, स्टीम के मॉलिक्यूल्स उस बॉइलिंग वाटर के मॉलिक्यूल्स से ज़्यादा मूवमेंट जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक बात यह है कि वो एनर्जी जिसने वाटर लिक्विड फॉर्म को स्टीम में कन्वर्ट किया, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लेटेंट हीट कहेंगे। वो उसके अंदर उस वक्त तक स्टोर रहेगी जब तक वो गैसियस स्टेट में रहेगी। जैसे ही कोई चीज़ गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आती है तो उसका इफेक्ट ये होता है कि एक वार्मिंग इफेक्ट आएगा, क्योंकि उसने अपनी एनर्जी को रिलीज करना। ठीक है, तो ये वाटर वेपर जब क्लाउड्स बनाना शुरू करता है तो उसका वार्मिंग इफेक्ट आता है और सराउंडिंग एयर का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, या वो उस एयर का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है जो कि उसको अपने अंदर एडजस्ट किए हुए थी या जिसने अब्जॉर्ब किया हुआ था। ठीक है जी, यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई। जी सर, ओके, अब इन्वर्जन को हम बेसिकली क्या कह रहे हैं, इन्वर्जन इज अ प्रोसेस जिसमें हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होने की बजाय इंक्रीज करता है। तो नॉर्मल कंडीशन ट्रोपोस्फेयर में तो हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज करने की जो एडियाबैटिकली हुआ था, लेकिन अगर हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो हम उसको इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। इसकी चार फॉर्म्स हैं। अब आजकल सर्दियों का मौसम है, लेकिन अगर हम ये कहें कि जैसे कि यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन मौजूद है कि अगर एक इलाका सर्द इलाका है, जैसे आपको एंटार्क्टिका है या ग्रीनलैंड है या साइबेरिया है, और वो सख्त सर्द इलाका है, तो उसके ग्राउंड लेवल के करीब ठंडी हवा मौजूद होगी, जबकि उससे हाइट के ऊपर आपको रिलेटिवली वार्म एयर मिलेगी, क्योंकि जो
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेम्परेचर ऑफ एयर है वो किसने डिटरमिन करने हैं, वो ग्राउंड ने डिटरमिन करने हैं। अगर ज़मीन बहुत ठंडी है तो उस सूरत में ठंडी हवा जो है वो नियर द ग्राउंड होगी, और जैसे ही आप यहाँ से राइज करेंगे, जब भी आप लिफ्ट लेंगे, तो आपको एक लेयर मिलेगी ऐसी कि जिसमें इनिशियली जो है वो कोल्ड लेयर है, लो टेम्परेचर्स हैं नियर द ग्राउंड, और फिर थोड़ा सा आप हाइट पे आ रहे हैं तो आपको थोड़ी सी इंक्रीज इन टेम्परेचर मिलेगी, लेकिन वो भी एक सर्टन लिमिट तक होता है, इसलिए हम इसको इन्वर्जन लेयर का नाम देते हैं। तो ये जो टाइप है जिसको मैंने भी हाईलाइट किया, इसको हम सरफेस इन्वर्जन का नाम देते हैं। सरफेस इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि एक सरफेस जो कि इंटेंसली कोल्ड है, तो उसके साथ कांटेक्ट में हवा भी कोल्ड है, और लोअर लेयर जो एटमॉस्फेयर की वो ठंडी है, उसके ऊपर जो डिस्टेंस पे हवा मौजूद है वो थोड़ी सी गर्म है, जो कि वार्म एयर को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे रेड कलर की, इसको हम इन्वर्जन लेयर कहते हैं। दूसरी टाइप जो है उसको कहते हैं रेडिएशन इन्वर्जन, ये आजकल सर्दियों के मौसम में ज़्यादातर होती है। अभी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, रात का टाइम है, ज़मीन ठंडी हो चुकी हुई है, अपनी हीट को रिलीज़ कर चुकी हुई है, ग्राउंड इज गेटिंग कूलर और कोल्डर, और उसके करीब हवा भी ठंडी हो रही है इस वक्त, जिस वक्त रात लंबी होती है जो कि सर्दियों की है, और ऊपर क्लाउड भी नहीं होता, तो बहुत इफेक्टिवली एनर्जी जो है वो स्पेस की तरफ या अपर एटमॉस्फेयर की तरफ चली जाती है। सो वार्म एयर जो है वो ऊपर चली जाएगी, कूलर एयर जो है वो नियर द ग्राउंड रह जाएगी। सो यहाँ पे भी आपको यही फील होगा कि हाइट के साथ शायद टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, इसको हम रेडिएशन इन्वर्जन कहते हैं। ये नाइट टाइम में पॉसिबल होती है, डे टाइम में नहीं होती, रीजन बीइंग के ग्राउंड सरफेस डे टाइम में हीट अप हो जाएगी तो फिर इन्वर्जन नहीं होगी। तीसरी टाइप इन्वर्जन की जो है इसको हम कहते हैं एडवेक्शन इन्वर्जन। एडवेक्शन इन्वर्जन में आपको दो हवाओं का इंटरेक्शन नज़र आ रहा है, कि अभी आप देख रहे थे कि थोड़ी सी गर्मी थी, फिर अभी ठंडी हवाएं आना शुरू हुई हैं, अब ठंडी हवाओं ने अपनी डेंसिटी की वजह से कोल्ड एयर ने नियर द ग्राउंड जगह ऑक्यूपाई कर लेनी है, और वार्म एयर को जो कि रिलेटिवली लाइट वेट होती है, एक्सपेंडेड होती है, उसको ऊपर उठा देना। सो जहाँ पे भी कोल्ड और वार्म एयर इंटरेक्ट करती है उसमें वार्म एयर जो है वो लिफ्ट हो जाती है और वो अपर लेयर बना लेती है, कोल्ड एयर जो है इट हग्स द ग्राउंड, इट स्टेज इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड, और वो लोअर लेयर को ऑक्यूपाई करती है। इसमें भी अगर आप वर्टिकली राइज करेंगे तो आपको इन्वर्जन फील होगी, इनिशियली आपको लो टेम्परेचर्स मिलेंगे और हाइट पे हाई टेम्परेचर मिलेगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर मिलेगा, इसको हमने नाम दिया एडवेक्शन इन्वर्जन का। चौथी टाइप की इन्वर्जन, इसको हम कहते हैं ड्रेनेज इन्वर्जन। ड्रेनेज इन्वर्जन माउंटेनस एरियाज पे पॉसिबल होती है, आमतौर पे शाम के वक्त जब पहाड़ों के ऊपर हवाएं बहुत ठंडी हो जाती हैं, टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है, तो वहाँ से कोल्ड एयर जो है इट स्टार्ट सिंकिंग डाउन, सो वो आपको पहाड़ों की स्लोप्स के साथ साथ नीचे वैलीज में आती हुई मिलेगी। इसीलिए आप ऑब्जर्व करते हैं कि पहाड़ों के साथ साथ स्लोप्स पे जो मुख्तलिफ दरख्त होते हैं वो जे शेप बना रहे होते हैं। जे शेप का मतलब है कि उनके जो तने होते हैं उनमें एक बैंड आ गया होता है बिकॉज ऑफ द इंटेंस विंड विंडी कंडीशंस। ठीक है जी, तो विंड जो है वो बड़ा इंटेंस होता है और वो उसको डाउनवर्ड बैंड दे देता है, तो जे की शेप में आपको उनके ट्रंक्स या वो नज़र आएंगे इस तरह से बैंड हुए हुए। ठीक है, तो ट्री की ग्रोथ आपको ऐसी नज़र आ रही होती है। ठीक है जी, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड कमिंग डाउनवर्ड ड्यूरिंग द नाइट टाइम और आफ्टर द सनसेट। ठीक है, तो ये ठंडी हवा जो है इट ड्रेन्स इनटू द वैली एट नाइट,